नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों SSC CHSL एंड प्लस टू के फॉर्म आ चुके हैं और उसमें आपको दोस्तों फ़ोटो कौन सी अपलोड करनी है ये हम आपको बताने वाले हैं। SSC ने नोटिफिकेशन बोला है अगर आपने ऐसे फ़ोटो अपलोड नहीं की तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपके फॉर्म भरने का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पेपर भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा तो फॉर्म कैसे दोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको जो जो कुछ भी करना है वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों लेके चलते हैं आपको उस जानकारी पर, और वहाँ पर जाने से पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों देखिए, ये एक यहाँ पर नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो ब्लैक में यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ के बता दें। एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। SSC ने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। PDF तो बहुत बढ़िया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसको पूरा बता देते हैं आपको क्या क्या करना है। देखिए दोस्तों, नंबर पहली बात आ जाती है इसके जो साइज होता है उसकी 20 से 50 KB का साइज होना चाहिए। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर साइज ही नहीं होगा इतना तो अपलोड ही नहीं होगी फोटो, ठीक है। नंबर दूसरी बात जो उसकी हाइट लंबाई चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो उसकी चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर की और ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर की फोटो की, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पेक्टिकल एंड बोथ ईयर शुड बी विजुअल। आपके सर पे कोई टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए और आपके दोनों कान जो है साफ दिखे होने चाहिए, ठीक है। और जो फोटो है आपकी, यहाँ पर लिखा है उन्होंने 3 महीने। देखिए, फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा फोटो पुरानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि एंड द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको उस पर लिखनी है, ठीक है। जो आप फोटो लगाओगे उसके ऊपर कंप्यूटर वाले से बोल देना भैया इस पर हमारी डेट ऑफ फोटो डाल दो, तो वो डाल देंगे और आपका फोटो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका जो है फोटो लगेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि बैकग्राउंड आप ज़्यादातर ग्रे कलर का ले लेना, वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये फोटो की कुछ जानकारी यहाँ पर थी जो हमने आपको बता दी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कैसे भी कोई भी आपका कमेंट हो तो उन्हें कमेंट करना, उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।